हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए खाने के वीडियो में। दोस्तों तो बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाले थे और आप लोग भी इंतज़ार करें हुए और आज वीडियो आया है। दोस्तों माफ़ करना, डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और अभी देखिए दोस्तों, ये रहा खाना हमारा, ये रहा चिकन करी, चावल, प्याज और ये धनिया का पत्ता की चटनी, और वो रहा पापड़। मेरी पत्नी का भी वही सेम है और पानी भी है। तो दोस्तों खाते हैं, खा के आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है आज का। थोड़ा ग्रेवी को डालते हैं दोस्तों चावल पे। देखते हैं, ये रहा पहला बाइट। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है दोस्तों। धनिया का पत्ता की चटनी को थोड़ा डाल करते हैं। वाह दोस्तों, एक धनिया का पत्ता की चटनी है, इसको आप बनाना घर पे, दो दिन रह जाएगा, उसके बाद खाना बासी, बहुत ही टेस्ट आएगा। अभी बना के अभी खाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा उतना, एक दिन दो दिन रह जाएगा तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है दोस्तों।
ये रहा दोस्तों देखिए आलू। दोस्तों चिकन में आलू डालते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, आप कमेंट में बताना मुझको। दोस्तों मुझको तो अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त हम चिकन पे डालते नहीं हैं आलू, कभी कभी डालते हैं। ये रहा पीस दोस्तों टेस्ट ऐसा है कि सिर्फ झोल और चावल खा लिया जाता है, और चिकन को खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तों, सिर्फ झोल और चावल पेट में चला जाता है। चिकन बनाओ दोस्तों प्याज पापड़ और खट्टा ना हो तो मज़ा नहीं लगता। ये रहा खट्टा, सर्दियों में खट्टा, धनिया का पत्ता का चटनी खट्टा, और ये रहा प्याज, ये पापड़, ये चिकन, चावल, सब कुछ है दोस्तों। हम खाना दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन किसी नए खाने के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, बाय बाय।